फिर धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी भोजपुरी के गायक हैं जो अपने मऊ के कोपागंज के रहने वाले हैं। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश से निकले हैं, वहाँ की मिट्टी की खुशबू है, अपने मऊ के लाल हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे गायक जो हैं, जो बड़े शीर्षक जो गायक हैं, जो अच्छे लगते हैं आपको, उनके गीत बहुत अच्छा टिस कर रही है, आपके दिलों को उतर रही हो, कौन से गायक हैं? भोजपुरी में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का फैन हूँ तो पवन सिंह जी का, क्योंकि वो बहुत अच्छे गाते हैं, शुरू से अच्छे गाते हैं। और उनका मतलब कई सारा गीत मैं मतलब गाता हूँ कार्यक्रम में कौन भी। सा गीत बहुत अच्छा लगता है उनका जो दर्शकों को उनका बताएंगे? एक गीत आया था कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चोरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। ये गीत मुझे बहुत अच्छा उनका लगा। जब मतलब गीत उनका रिलीज हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा उनका सुना, और आज भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता कई स्टेट है। प्रोग्राम भी आप दे चुके हैं, ये बताइए जो जो गीतें जो आप गाते हैं वो कहाँ से उपजता है, कौन लिखता है, कहाँ से वो किस लेखक से आप लेते हैं? जी अभी तो हम फिलहाल आरा जिला के एक बहुत ही मतलब अच्छे गायक भी हैं और राइटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, वो सतवीर सिंह जी हैं, जो कि उनका ही लिखा हुआ गीत था जो वीडियो कॉलिंग पे तो मेरा बजा। और फिर देवी गीत में भी वही अपना दोनों गीत दिए हैं, देशभक्ति भी दिए हैं, और एक देवी गीत अपने ज़िले पे लिख के दिए हैं। वो देवी गीत ही मेरा था, वो अपने ज़िले पे लिख के दिए हैं, वो भी मतलब मुझे आशा है कि बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा। कोई ऐसा कोई गीत फिर दर्शकों को सुनाए जो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपकी नज़र में? हाँ गीत तो बहुत सारी हैं, आप पारंपरिक एक गीत सुना दें बिल्कुल। कि गर्भा में बिटियन के मर जाने कोई हो, गर्भा में बिटियन के मर जाने कोई हो, बिटिया न हुई है तो बेटा कैसे होई हो, बिटिया न हुई है तो बेटा कैसे होई हो। गले के लिए आप कोई रियाज करते हैं या फिर गले जो अच्छे हो आपके गले क्या क्या रियाज करते हैं, कितने घंटे करते हैं आप? संगीत तो साधना की चीज़ है, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपका सुर बनेगा। और घर पे रहते हैं तो पर डे 1-2 घंटे मतलब रियाज करते हैं, हम बैठ के साधना करते हैं गला के लिए, मतलब मेहनत करते हैं संगीत के प्रति में। बहुत से आजकल जो संगीत है गीत है भोजपुरी के नकल पे आधारित होता है, दूसरे पे ही जो गीत जो बहुत हिट हो जाते हैं उसको थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ करके इस टाइप गाते थे, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ अब चूंकि अब ज़माना आ गया है, लोग पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, अब ट्रैक का ज़माना आ गया है, तो किसी का भी अगर मतलब हाई लाइट गीत हो जा रहा है तो लोग सोचते हैं कि उस ट्रैक पे गा के हम भी हाई लाइट हो जाएं। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है कि जो पहले से गाया है उस वो तो ऑलरेडी हिट है, चाहे आप लाख गाएँ उसके ट्रैक पे आप गाएंगे तो वही हिट होगा, आप नहीं हिट होंगे, बिल्कुल 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 क्योंकि वो तो पहले से ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो जितना उसका मतलब आप लोग जो भी गाए, चाहे हम ही गाएं, कोई भी गाए उस ट्रैक पे कोई भी गाएगा, तो एक पवन सिंह का गीत आया था कि इस गौरा हो हंस दाना, तमाम मतलब ये उनका एल्बम आया था, उस पर अभी बहुत सारे लोग गा रहे हैं, बोलबम में भी आया था। तो ट्रैक पे यही है कि लोग उसका कॉपी करने लगते हैं, लेकिन मैं अब यही कहूँगा कि नया कुछ करें ताकि लोगों को अच्छा लगे। फिर कोई दर्शक को सुना एक गीत जो बहुत ही भड़कीला हो? एक मिनट पूछ कदम सुनाया दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं एक रितेश पांडे जी का भी गीत सुना, बहुत अच्छा लगा वो भी गीत, जा ये चंदा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग उसे सुने, और मैं भी बहुत गाता भी हूँ उसको, दिल से सुनता हूँ।
कि जहिया से चली गईली अरे छोड़ी के हमके जिंदगी भइल सुनसान हो जाए चंदा ले आव खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बड़ी मोर रान हो ए चंदा कैसन बड़ी मोर रान हो। अंतिम ऐसे गीत जो गाए जो दर्शक को बहुत ही पसंद हो लास्ट और अंतिम ये गीत की है। जी हाँ एक गीत और सुना रहा हूँ कि सुना ये अरबू हमारे ये गुबतिया अपरलय फतरा में जीहू बा संगतिया कि नईका मोबाइल तो हर दिहल पकड़ाइल बा आ मिले जनी है मोहला गरमाइल बा मिले जनी है मोहला गरमाइल बा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।